Hello everyone and welcome back to your YouTube channel. Today we are going to discuss some of the theory questions of the partnership. So let's start. First question is, R and H are childhood friends. R is a consultant whereas H is an architect. They contributed equals amount in purchased a building for 2 crore. After a year, they sold it for 3 crore and shares the profit equally. Are they doing the business in partnership? अब मैक्सिमम ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस करें, ये सारे बोर्ड के क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड ने प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू नीड टू पे योर प्रॉपर अटेंशन टुवर्ड दीज क्वेश्चन, क्योंकि छोटी छोटी एरर से मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं. अब यहाँ पे लिखे दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इक्वली, तो काफ़ी बच्चे आंसर दे देते हैं येस दे आर डूइंग द पार्टनरशिप, क्योंकि प्रॉफिट्स शेयर हो रहे हैं. बट हमने जब प्लस वन में बिजनेस स्टडीज पढ़ी है तो उसके अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि बिजनेस के फीचर में एक पॉइंट आता है, देयर इज अ रेगुलरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, कॉन्टिन्यूटी. यहाँ पे आर एंड एच चाइल्डहुड फ्रेंड है, आर कंसल्टेंट है, एच का क्या है, आर्किटेक्ट का बिजनेस है. इक्वल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट की, येस पार्टनर्स में कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन होती है. बिल्डिंग खरीदी एंड आफ्टर ईयर दे सोल्ड इट एंड शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, एंड दे आर नॉट डूइंग द बिजनेस इन एनी कॉन्टिन्यूटी. उन्होंने कोई एज अ पार्टनरशिप एज अ फर्म नहीं खोली है जहाँ पे वो मिलके फर्म मतलब कि बिल्डिंग्स खरीदते हैं और बेचते हैं. तो यहाँ पे दे आर नॉट डूइंग द पार्टनरशिप. रीजन क्या है इसका, देर इज नो रेगुलरिटी और कॉन्टिन्यूटी इन द बिजनेस, देर इज नो continuity in the business, that is a reason they are not doing the partnership. Clear? I hope it is clear to you. Okay, the next question for you, what is the minimum and maximum limit of a partners in a firm? This is again very very important question. Maximum time board में किसी ना किसी form में आ जाता है, वो सारी forms हम आगे discuss करेंगे कि कौन कौन सी form में आए हुए. Minimum, we all know that कि जब तक 2 persons नहीं होंगे we cannot start a partnership, क्योंकि 1 में तो sole proprietorship होती है. तो minimum persons is 2 and maximum limit वैसे 100 तक allowed है by the Companies Act 2013, but जो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ की है दैट इज़ अ 50 पार्टनर्स, मतलब मैक्सिमम 100 कुड बी द नंबर ऑफ पार्टनर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है. बट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के अकॉर्डिंगली सिर्फ 50 मेंबर्स को मैक्सिमम मेंबर्स क्या किया हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ है. तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 50. Now the next question, ये भी बोर्ड में आया हुआ है. ग्रुप ऑफ 40 पीपल वॉन्ट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, दे वॉन्ट योर एडवाइस रिगार्डिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर दैट कुड कैन बी इन द पार्टनरशिप फर्म. तो बोर्ड ने इस फॉर्म में पूछा और आपकी एडवाइस क्या होगी कि मैक्सिमम वो कितने पर्सन रख सकते हैं, मैक्सिमम विल बी 50 पर्सन. देन द नेक्स्ट वन, अ ग्रुप ऑफ 60 पर्सन वॉन्ट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस इन इंडिया, 60 persons है वो पार्टनरशिप मतलब करना चाहते हैं, कैन दे डू सो, आपकी एडवाइस पूछी जा रही है, रीजन पूछा जा रहा है. नो. अब रीजन क्या है, नो क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स तो कितने अलाउ किए गए हैं, 50. तो 60 persons के साथ पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं हो सकती है, तो आंसर इज नो. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, 6 फ्रेंड्स स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 2 लाख ईच. They decided to share the future profits equally. They decided to share the profits equally. Name the term by which they will be called individually and collectively. उन्हें individually क्या कहा जाएगा, मतलब अकेला अकेला उन्हें क्या बुलाया जाएगा, और collectively यानी जब वो 3-4 एक साथ खड़े होंगे या 6 friends एक साथ खड़े होंगे तो उन्हें क्या बोला जाएगा. Individually हर person को क्या बोला जाएगा, partner बोला जाएगा, और कलेक्टिवली जब हम बात करते हैं तो दैट विल बी अ पार्टनरशिप फर्म. तो इंडिविजुअली हर पर्सन को पार्टनर के नेम से बुलाया जाएगा, दैट इज राम श्याम ये पार्टनर्स है, लेकिन राम श्याम मिल गए तो ये दोनों फर्म है. तो 6 फ्रेंड्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली उन्हें क्या कहा जाएगा, इंडिविजुअली दे विल बी कॉल्ड द पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली दे विल बी कॉल्ड द फर्म. नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, ये आपने प्लस वन में भी पढ़ा हुआ है. Partnership is an agreement between the partners and that agreement could be oral as well as written, दोनों हो सकते हैं, but preferable यही होता है कि आपके written ही हो, because
इसका फायदा क्या क्या लिखा हुआ है, व्हाट एडवांटेज डज अ फर्म रिसीव इन हैविंग अ पार्टनरशिप डीड। अगर एक फर्म के पास एक पार्टनरशिप डीड है, रिटन डीड है, तो उस टाइम पे उसको क्या एडवांटेज वो मतलब कि मिलेगा। तो जब कई बार क्या होता है, पार्टनरशिप होती है, समटाइम्स देयर मे बी सम डिस्प्यूट, कोई अराइज हो चुका होता है, तो उस डिस्प्यूट को सेटल करना ईजी हो जाता है अगर पार्टनरशिप डीड होती है, तो इट बिकम ईजी टू सेटल डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स में डिस्प्यूट अगर कोई अराइज हो जाता है, क्योंकि हर चीज मेंशन होती है, रिटर्न होती है, तो इट बिकम ईजी टू सेटल दैट डिस्प्यूट। ओके, व्हाट इज मेंट बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, ये भी आपने प्लस वन की बिजनेस में पढ़ा हुआ है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है, जब कभी आपने किसी से लोन लिए, ठीक है, आपके क्रेडिटर्स है, बैंक लोन वाले हैं, तो आपको उनको पे बैक करना होता है। जब आप पे बैक नहीं करते हो और कोर्ट आपको मतलब कि उसमें कोर्ट में सीयू किया जाता है, एंड कोर्ट ऑर्डर देता है कि आपके पर्सनल एसेट्स भी बिक सकते हैं, तो जब आपके पर्सनल एसेट कुड ऑल्सो बी सोल्ड आउट, पर्सनल एसेट्स कुड बी सोल्ड आउट टू मीट आउट फर्म्स डेट, फर्म के डेट्स को पूरा करने के लिए जब पर्सनल एसेट्स भी बेचे जाते हैं, तो उस टाइम की लायबिलिटी को अनलिमिटेड लायबिलिटी कहा जाता है।